नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन को लेकर के दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। 30 से अधिक देश संक्रमण की शिकार में हैं। हर जगह हाहाकार सा मच रहा है। अपना देश भी उससे छूता नहीं है। हालांकि कर्नाटक में 2 ही ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के नाम पर केसेस आ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उससे तो लगता है कि दिल्ली में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। आज वहां पर 12 विदेशियों को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। कर्नाटक में 10 विदेशी गायब है। यही हाल आंध्र प्रदेश का है। फोन उनके नहीं मिल रहे, और कैसे क्या किया जाए, एक विषम स्थिति पैदा हुई है। और साथ तो ये है कि आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक नया अलर्ट जारी कर दिया, और खास तौर से इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, और कहा कि आप निगरानी करिए। और सरकार ने भी ये कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, बल्कि ऑक्सीजन को लेकर के जो हाय तो मची हुई है, उसमें आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास तो ऑक्सीजन इतनी थी दिल्ली में कि टैंक खाली करने की जगह नहीं थी। खैर, ऐसे मुद्दों पे कभी कभी राजनीति भी दिखती है। हम उसकी दिशा में न जा करके आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ओमिक्रॉन खतरनाक है, क्योंकि इसकी विभिन्न रिपोर्टें आ रही हैं, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ में है डॉक्टर सपना गुप्त, और डॉक्टर साहब उर्सला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्र, जेएसवी मेडिकल कॉलेज में है और माइक्रोबायोलॉजी सीधे तौर पर देख रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं डॉक्टर राजतिलक का, वरिष्ठ चिकित्सक है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर विकास मिश्र से, जो सीधे तौर पर देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकों में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए कि ये जो ओमिक्रॉन का जो हड़कंप सा मचा है, इसमें क्या कहना है आपका, थोड़ा सा हमको डिटेल बताइए, और ये भी जरा समझा दीजिएगा ये ओमिक्रॉन है क्या, क्या बड़ा है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर वर्मा जी। सबसे पहले मैं आपके द्वारा जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, ना ही ये जाएगा, ये हमारे बीच में ही रहेगा। तो जनता ये भूल जाए कि कोरोना चला गया है। जनता से निवेदन है कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। अब आपने बात पूछी ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक अल्फाबेट का 15वां नंबर है। WHO ने ये COVID-19 वायरस जो म्यूटेट होता है उसके म्यूटेशन के हिसाब से उसको नाम देने शुरू हुए, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अभी तक करीब 12 म्यूटेंट्स वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे। 13वां जो आना था उसका नाम होना चाहिए था न्यू, लेकिन क्योंकि न्यू का मतलब दूसरा भी होता है नया, तो WHO ने इसको भी ओमिट किया। न्यू के बाद आता है शी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी, उनका नाम क्योंकि शी से शुरू होता है, और जैसा हम सबको मालूम है कि WHO का स्नेह चाइना के साथ बहुत है, तो उन्होंने शी को भी ओमिट करके 15वां अल्फाबेट ओमिक्रॉन इस नए म्यूटेंट को दिया। यह COVID-19 वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो म्यूटेशन के कारण पैदा हुआ है। जिस COVID-19 की हम बात कर रहे हैं उसमें जो ये जेनेटिक चेंज हुआ है, लगभग 50 म्यूटेशन इस वेरिएंट में रिकॉर्ड किए गए हैं, और उन 50 में से 32 म्यूटेशन खाली स्पाइक प्रोटीन पे हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन एक ऐसी नॉब होती है जिससे ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे सेल से अटैच करके अंदर जाता है।
इसके अलावा स्पाइक प्रोटीन से ही कई वैक्सीन भी बनती हैं। तो इसको लेके WHO ने इसको VBM, VOI इन दोनों को ओमिट करते हुए सीधे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ऐसा जेनेटिक चेंज जो या तो वायरस में इंक्रीज ऑफ ट्रांसमिशन कर दे, यानी संक्रमण की संभावना तेज कर दे, या फिर वायरस की सीवियरिटी बढ़ा दे, या वायरस में ऐसी क्षमता पैदा कर दे जो कि थेराप्यूटिक्स या वैक्सीन को का जो मैकेनिज्म है उसको एस्केप कर जाए और वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न करे, यानी बहुत ज्यादा केसेस प्रभावित हों। इसलिए WHO ने ओमिक्रॉन को सीधे VOC यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। सबसे पहले ये ओमिक्रॉन जो रिपोर्ट हुआ है वो 24 या 25 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने WHO को रिपोर्ट किया। हालांकि ये केस 9 नवंबर को सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के ग्वांट रीजन में, और वहां पे जब भी कभी वायरस डिटेक्ट होता है तो वह RT-PCR से होता है। जब पॉजिटिविटी आती है तो उस सैंपल को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में हमें ज्ञात होता है कि यह कौन सा वेरिएंट है। तो 24 तारीख को उन्हें पता लगा कि यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है इसमें 50 म्यूटेशन हुए और इसका नाम WHO ने इसको ओमिक्रॉन कर दिया। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका ने तो रिपोर्ट कर दिया, बाद में हमें पता लगा कुछ कंट्रीज जैसे यूरोप में नीदरलैंड, जर्मनी, इनमें 11 से 12 दिन पहले यही वेरिएंट आ गया था, लेकिन उन्होंने WHO को रिपोर्ट नहीं किया। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसको लेके बहुत ज्यादा लोग घबरा रहे हैं। अब आगे ये समझने वाली बात है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, एक इसी जगह में थोड़ा सा कंफ्यूजन, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो पहले जो डेल्टा था उससे 6 गुना ताकतवर है जी, तो लोग चिंता इसी बात की कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि अगर ये 6 गुना ताकतवर है तो क्या 6 गुना फैल जाएगा, या एक भी रिपोर्ट आई है कि एक ओमिक्रॉन व्यक्ति 11-12 लोगों को संक्रमित करता है, या फिर इसकी स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी जैसे दूसरी लहर में थी। इसको जरा थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। WHO ने इसको डेल्टा वायरस से 6 गुना खतरनाक नहीं बोला, 6 गुना ज्यादा संक्रामक है। देखिए, साइंटिफिक वे में हम आर नॉट फैक्टर बोलते हैं। जैसे पहली वेव जब आई थी अल्फा वेरिएंट की तो उसका आर नॉट फैक्टर था 2.5, यानी लगभग एक व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। उसके बाद जो दूसरी वेव आई जिसमें डेल्टा वेरिएंट आया था उसका आर नॉट लगभग 7 था, यानी वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता थी और वो 7 लोगों को संक्रमित कर देता था। इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन में इतने ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से इसकी संक्रामक स्थिति ज्यादा हो गई, और अभी तो लिमिटेड केसेस हैं, लेकिन जितने केसेस में शोध हुआ है उसमें हमें यह पता लगा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका आर नॉट फैक्टर जो होगा वो लगभग इस डेल्टा वायरस से 5 गुना ज्यादा होगा, यानी 12 से 30 तक भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीवियर है, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण कर सकता है। ठीक बात है डॉक्टर तिलक, मैं आपसे ये जरा जानना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन के कहा जा रहा है कि 2 केसेस पुष्टि हुई है, लेकिन राजस्थान, दिल्ली सब जगह अब कोरोना पॉजिटिव लोग चिल्लाने लगे। मेरा सवाल आपसे यह है, ये कोरोना पॉजिटिव और ओमिक्रॉन की जो ये बात होकर के जो है लोगों में बड़ा असमंजस फैला कि क्या ये कोरोना फिर से आ गया है या ओमिक्रॉन का रूप है, इस बारे में आप जरा थोड़ा सा हमको समझाइए। देखिए, यहाँ 4 लोग मौजूद हैं जी, मैं हूँ, विकास जी हैं, आप हैं और सपन जी हैं जी। हम सब मनुष्य हैं, होमो सेपियन जी, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं तीनों टाइप वो अलग अलग हैं। इसी ढंग से कोरोना वायरस जो है वो सब कोरोना है, जो डेल्टा था वो भी कोरोना है, जो ओमिक्रॉन था वो भी कोरोना है, जो उसके पहले तमाम आए और आगे आएंगे वो तमाम भी कोरोना ही होंगे, भिन्न नहीं होंगे। तो कोरोना को उसके ओमिक्रॉन स्वरूप में पहचाने
उसके देवता स्वरूप में पहचाने, उसके किसी और स्वरूप में पहचाने, लेकिन अंततः रहेगा वो कोरोना वायरस ही। इसलिए कोई भेद नहीं है, कोई नहीं, लेकिन नहीं है। एकदम इस समय कैसे आने लगे कि आज 12 विदेशी लोहिया भर्ती हो गए, उधर से वो गायब हो गए, कर्नाटक में अब आ गए, तो ये एकदम ये कैसे आ गया? अभी तक तो लोग कह रहे थे कोरोना है नहीं, शून्य 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 कह रहे थे। देखिए जब एसडी कॉलेज में चीता आता है ना, लेपर्ड, जी, हर आदमी लगता है इधर तो नहीं आ जाएगा, ओ और कहीं उधर तो नहीं चला गया, 3 किलोमीटर में कब कहां से आ जाए। ये जो सजगता बढ़ती है, ये चौकन्नापन जो बढ़ता है, ये हमारे ज्यादा जांचें करने के लिए प्रेरित करता है, रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा कंसर्न जो है हमारा। यही तो अभी विकास ने कहा कि WHO ने कहा है दिस इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। यही है कंसर्न हमारा कि जब हम ज्यादा जांचें करेंगे, ज्यादा ढूंढेंगे, तो जो कोरोना को हम ढीले ढाले तरीके से ले रहे थे, अब उसके बारे में हम ज्यादा सजग होके उसको भर्ती भी करेंगे, फैलने नहीं देंगे, और हम फिर पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं। हमें वही सावधानियां वापस लानी होंगी जो हमने दूसरी लहर में एडॉप्ट की थी और शनाई शनाई खो दी। ठीक बात, लगभग एक लाइन में ये बताइए कि जिन लोगों ने टीका लगवाया है उनको भी तो ये संक्रमित हो रहे हैं लोग। देखिए जो दो लोग बेंगलोर में संक्रमित हुए ओमिक्रॉन से, जी, दोनों को टीका लग चुका था और दोनों को दो दो खुराक लग चुकी थी। मुद्दा ये है के भैया टीके ने कभी नहीं कहा, उनके बारे में भी नहीं कहा जिनके स्पाइक प्रोटीन से वो टीका बना था। ठीक बात, कि वो संक्रमण रोकेगा, उसका तो वायदा सिर्फ इतना था कि वो आपको गंभीर होने से, आईसीयू में जाने से या मृत्यु से बचाएगा। ठीक बात, ठीक बात। तो संक्रमण को रोकने का हम उससे मतलब उम्मीद कैसे करते हैं जो वो बचा देगा। ठीक बात। डॉक्टर सपन गुप्ता, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप तो एक उर्सला अस्पताल बैठते हैं जहां पर सैकड़ों मरीज लोग आते हैं, और लोगों में इस ओमिक्रॉन को लेकर के क्या है, क्या मरीज परेशान आपको दिख रहा है कि कोई मरीज आया जिसको बुखार हो गया, दर्द हो गया, वो तुरंत इसी बात की चिंता करने लगा है, और इन सब को देखते हुए उर्सला अस्पताल ने क्या तैयारियां कर रखी है? दो बातें हमारे पास तैयारियों का तो बात अगर हम लोग करें जी, तो पूरा स्वास्थ्य समुदाय, पूरे विश्व का स्वास्थ्य समुदाय पिछले 2 साल से जो तैयारियां और जो लड़ाइयां हम लोग लड़ रहे हैं, ये इंडिविजुअली वही एक मेडिकल फ्रेटर्निटी का इंसान समझ सकता है जो उसमें कार्यरत है। और रही बात समाज की, जनता की, तो जनता हमारी जब बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, मतलब मॉर्टेलिटी होने लगती है, तब उस चीज़ को गंभीरता से लेती है, जो कि हमारी जो है दूसरी वेव में ये हमने देखा। हमारे शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा ये बात 2 साल से कही जा रही, प्लीज़ फॉलो प्रोटोकॉल फॉलो करिए कोविड का, और अपने आसपास चीज़ों को मैनेज करके रखिए। तो उस टाइम उनको वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब संसाधन हमारे पास, चूंकि 125 करोड़ की जनता है, संसाधन जब लैप्स होने लगे, संसाधन हमारे जब वो प्रॉपर नहीं मिल पाए, तब उन्हें लगा ये भयावह है। तो ये जो ओमिक्रॉन भी है ये उसी ही परिवार का सदस्य है और ये उतना ही गंभीर है। लेकिन अब ये धन्यवाद मैं इस बात के लिए सरकार को देना चाहूंगा कि जिन्होंने ऑलमोस्ट 70 से 80 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर दिया है, तो जो आने वाली मॉर्टेलिटी जो हमारी जो थी उसमें कम से कम गिरावट हो सकती है। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि संसाधन हमारे पास पूरे हैं, हम लोग तैयारी से हैं, लेकिन तैयारी हमारे पास 10,000 की है, 10 करोड़ की नहीं है। तो इसके लिए 10 करोड़ के लिए सिर्फ जनता को फिर से सजगता के साथ अपने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड वही ले रहा है कि जिसने कोरोना काल में वेंटिलेटर और जिसने ऑक्सीजन नहीं ढूंढी है। ठीक बात है। मैं मिसाल जी ये बताइए विकास जी कि मुझे ये कहते हैं कि जो लोगों के सामान्य फीवर होता है, थकान होती है, दर्द होता है, उनका ही परीक्षण होता है और उसके बाद देखा जाता है। क्या आप ये मानते हैं
कि इनमें सामान्य लक्षण होते हैं और ऐसे सभी सामान्य लक्षण वाले व्यक्तियों को बाकायदे जांच करानी चाहिए। हालांकि अभी जांच की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में नहीं है, क्या ऐसी भी स्थितियां हैं? देखिए डॉक्टर वर्मा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लक्षण आना ये मरीज की प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी जैसे आपने ओमिक्रॉन की बात करी, हालांकि केसेस बहुत कम अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, पूरे विश्व में 30 कंट्रीज हैं और 375 केस डिटेक्ट किए हैं। सबसे ज्यादा केस जो डिटेक्ट हुए हैं वो साउथ अफ्रीका में हुए हैं। तो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बयान आया है कि अधिकतर जो केसेस थे उनमें या तो मसल वीकनेस थी या सोर थ्रोट था, 5-10% में बुखार की शिकायत थी। कोई भी ऐसा मरीज नहीं था जिसका ऑक्सीजन का लेवल डाउन हुआ हो या जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी हो। तो ये वायरस जो ओमिक्रॉन है ये संक्रामक तो बहुत है, लेकिन सीवियर क्या होगा, भारत में आने के बाद ये कैसा अपना रूप लेता है, यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की इम्यूनिटी पे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। हो सकता है ये हमारे लिए वरदान हो, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज्यादा देखा गया है वो डेल्टा वेरिएंट देखा गया, सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट है। आपने फॉर एग्जांपल प्रोबायोटिक का नाम सुना होगा। प्रोबायोटिक होता है जिसमें गुड बैक्टीरिया हम मरीज को देते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देता है। इसी तरीके से अगर इसमें संक्रामक ज्यादा, यानी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा लेकिन सीवियर नहीं होगा, तो ये डेल्टा वायरस को रिप्लेस कर सकता है। तो लेकिन ये अभी बहुत शुरुआत है ये कहना, ये भविष्य में हमें पता लगेगा। इसीलिए जैसे मेरे टीचर डॉक्टर राज तिलक, मेरे साथी डॉक्टर सपन ने बोला है कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, यानी मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन करें, सामाजिक दूरी बना के रखें, क्राउडेड प्लेसेस से दूरी बना के रखें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना रहें, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। डॉक्टर भाई, अभी मैंने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मेडिकल कॉलेज की हुई थी जिसमें आप भी मौजूद थे और ये बताया गया कि हम किस तरीके से तैयार हैं, क्या आप बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां आपने कर रखी जरा टिप्स में? जी, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर डॉक्टर संजय काला सर जो हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे जनता को ये अवगत कराया जाए कि वो सावधान रहें, घबराएं नहीं, और हैलेट अस्पताल में पूरी व्यवस्था मौजूद है। हमारे पास 22 बेड्स रिजर्व्ड हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल सही है, लेकिन जांच की व्यवस्था नहीं है, शायद जांच की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। मैं आ रहा हूँ उस पे, जांच की व्यवस्था है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जांच होती है, जांच में हम ये डिटेक्ट करते हैं कि मरीज को कोविड है कि नहीं है। जी, पूरे भारत में कुल 37 जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज हैं, 37। तो हमारा अटैचमेंट जो है KGMU से है। अब इसमें हमें जो टेस्ट करना है वो हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं। ये जो वायरस है ये वायरस एस जीन यानी स्पाइक प्रोटीन जीन का टारगेट फेलियर करता है। तो हम मल्टीप्लेक्स जीन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बाकी जीन जैसे एन जीन और ORF जीन पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एस जीन का टारगेट फेलियर हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है ये ओमिक्रॉन हो। उस सैंपल को हम कलेक्ट करके एप्रोप्रिएटली ट्रांसपोर्ट करके हम KGMU भेजेंगे जहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और उसमें कंफर्म किया जाएगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं, नहीं है। तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटी उपलब्ध है, हो गई है। जी, ठीक बात। डॉक्टर तिलक, ये बताइए कि ये जो ओमिक्रॉन को लेकर के इतना चल रहा है कि ये विषम परिस्थितियों वाला है और कंसर्न की भी बात हो रही है, कुल मिलाकर के क्या देखा जाए कि एक विशेष प्रकार का माहौल बन जाता है क्या ऐसी परिस्थितियों में? जब आप लोगों से बात करो तो आप लोग कहते घबराने की बात नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, क्या इसमें वो मृत्यु दर भी नहीं होती है, उस ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है जो हमको दूसरे कोरोना में देखने को मिली थी? आदरणीय रमेश जी, देखिए विकास ने अभी कहा और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि दुनिया में अब तक 300 मरीज मात्र आए हैं जिनको डिटेक्शन हुआ है। मोटे तौर पे हर दिन हर पल संख्या कुछ बदलती रहती है, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो संख्या है ये इतनी पर्याप्त नहीं है एक देश में, सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है,
लेकिन उस संख्या से जो भी अनुभव हमें हुआ है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उस जानकारी को या उस अनुभव को संपूर्ण विश्व के लिए एक्सट्रापोलेट कर सकें, कि हम 30 मरीजों के आधार पर कह सकें कि जब ये 3,000 3,00,000 3 करोड़ लोगों को होगा तो क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी। वो सिर्फ प्रारंभिक ट्रेंड बता रहा है कि शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगता है, लेकिन कोरोना है, मेरी समझ से तो इतना ही काफी है। जो कोरोना के हर मरीज में आप करते हैं इसमें भी वही करना है। अब ये ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, एक्स वाई या जेड कोई भी हो, पहली चीज सुनी थी कि मरीज को आइसोलेट करिए, तो अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो हमें आइसोलेट करना है। नंबर दो पे हमें ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो ढीला ढालापन हमारे सिस्टम में आ गया था उससे ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर हमें लड़ाई ठीक से लड़नी है, जाने बचानी है, जिसको मैं अभी रूल आउट नहीं कर रहा, प्रारंभिक ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रहा वो बात अलग है, लेकिन आगे चल के क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं और इथिनिसिटी बदलने से भी बहुत बार वायरसेस की मारक क्षमता बदल जाती है, तो हमारी रेस में ये किस प्रकार व्यवहार करेगा निश्चित कह पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ऑप्टिमिज्म समझ सकता हूँ, और घबराने से तो देखिए कोई समस्या कभी सॉल्व नहीं होती। ठीक बात है। इसलिए अगर चिकित्सक कह रहे हैं तो वो सिर्फ आपको निश्चिंत करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक बात, साथ बने रहेंगे और आपको मुश्किल में पड़ने से रोकेंगे, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारी बताई हुई चेतावनी को मानते चले। ठीक बात। डॉक्टर सपन गुप्ता जी, मैं आपसे ये भी जरा जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना में की जो दूसरी लहर आई और अब ये ओमिक्रॉन, क्या हम इसको दो भागों माने, क्या ये हम ये मान लें कि अब तीसरी लहर की दस्तक है नंबर एक, या नंबर दो हम अगर ये आपसे पूछे कि जो दूसरी में जो डेल्टा का था और ओमिक्रॉन का है, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, आदमी कैसे जाने कि जो है ये ओमिक्रॉन है और पहले वाला जो था वो डेल्टा था। किस देखिए मसला मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन और डेल्टा या कोरोना, ये जितने भी वेरिएंट्स हैं दे ऑल आर द सेम, तो हार्डली मैटर टू द सिविलियंस कि वो ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि कोरोना है, भाई मृत्यु तो हो रही है ना, मृत्यु हो रही तो उससे मतलब क्या है, कंसर्न ये है कि मैं उससे बचूं कैसे। तो दूसरी लहर या तीसरी लहर ये मानव प्रवृत्ति है, उसको नंबरों में जोड़ना है, लेकिन बात ये समझिए कि ये एक ही चीज है जो कंटिन्यूसली चल रही है और समय समय पे वो अपने रूप को बदल रही है। तो उसको पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, 75वीं वेव हार्डली मैटर्स। मसला ये है कि उसको बस हमें ये देखना है कि बचाव कैसे हो, और इसका बचाव सिर्फ हमारा जो हमारा स्वास्थ्य समुदाय कह रहा है ये बात उनको समझनी चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बस एक लाइन में समझिए कि ये बीमारी भयावह है, भयावह है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ये मुरव्वत बरत सकती है जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। आज भी कई करोड़ लोग हैं जो बिना वैक्सीनेशन के टहल रहे हैं, मन में लिए कि मुझे नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मिथ है ये। तो वो चीज तो फिर उनको तभी समझ में आएगी जब उससे वो संक्रमित हो जाएंगे। तो हमारा जो स्वास्थ्य समुदाय पिछले 2 साल से इतनी मेहनत करके आज हम लोग यहाँ पे जो आकर रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन है ये समाज का। तो आगे भी हमें समाज से यही अपेक्षा है कि बनस्पत इसके वो डेल्टा वेरियंट या ओमिक्रॉन या कोरोना के चक्कर में ना पड़ के जो हम कह रहे हैं वो उतना सुने, क्योंकि वो उसको जानने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, वो अननेसरी अपने दिमाग में एक बोधरेशन लेके घूमेंगे। तो पहले जो ये तो बात होगी डॉक्टर साहब कि आदमी ये तो सोचेगा कि भाई जो डेल्टा में जो प्रॉब्लम थी, जैसे लोग कह रहे थे कि वो खांसी आएगी, जुखाम आएगा, फिर जकड़ जाएगा, आप सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो ओमिक्रॉन में क्या चीज फर्क आ जाएगी जो हम आदमी एक समझ तो सके कि भाई ये ओमिक्रॉन हमको हो गया।
कोरोना के जो लक्षण आपके जो वायरल के जिस तरह से प्रकट हो रहे थे, शुरुआत हो रही थी बुखार से, फिर खांसी आ रही थी, गले में दर्द हो रहा था, छींके आ रही थी, उसके बाद बदन में दर्द हो रहा था, सेम वही लक्षण होंगे जी का है ना। फिर ये हम डॉक्टर्स का कंसर्न है कि इसको क्या बीमारी है और प्रोटोकॉल उस तरह से हम लोग। एक शब्द अभी आपने अपने विचारों में कहा, भयानक शब्द जी, तो ये भयानक जरा हमको क्लियर कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए कि भयानक से आपका क्या अभिप्राय है। भयानक से अभिप्राय ये है कि जो अभी पिछले इतने समय से जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो वो बहुत उसमें अपने मुगालते में ना आए कि ये बीमारी हमको नहीं होगी, नहीं हो ये भयानक उनके लिए है जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। डायरेक्ट तौर पे ये समझिए, 100% वैक्सीनेशन कराइए। मैं चाहता हूं कि 125 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने चाहिए, ठीक बात, तब हमको अपने आप को बचाव के लिए सिर्फ यही विकल्प है। तो इस उनके लिए भयानक मैं फिर से कहूंगा कि है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है और जो इस चीज से अपने आप को सोच रहे हैं कि अब हमें नहीं होगा, कोरोना तो चला गया। हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन खतरनाक, लेकिन एक बात अब तक के चर्चा में आई, क्यों आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि डेल्टा प्लस है। कुल मिलाकर मानिए कोरोना है, कोरोना से कैसे बचना है इसको। और उसका जो सबसे बड़ी बात आई है खुल करके, टीकाकरण, आप निश्चित रूप से दोनों डोज ले लीजिए, ये लापरवाही आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है। मुझे विश्वास है आप इस पर ध्यान भी देंगे। आइए हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले डॉक्टर राज तिलक, राज तिलक जी आप कुछ कहना चाहते थे, पहले आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर यहाँ पे मैं कुछ वैज्ञानिक सत्य अनावृत करना चाहता हूँ जी। पहली बात तो ये कि आप ये प्रश्न बार बार उठा रहे हैं कि कौन सा वायरस है, ये ओमिक्रॉन है, ये जनता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है जी। और मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब देना जरूरी हो गया जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना एक इंटेलिजेंट वायरस है और इंटेलिजेंट वायरस की पहचान यह है, जैसे हमारा फ्लू का वायरस होता है कि ये अपनी शक्लें बदलता रहता है और आपको धोखा दे सकता है। आपके शरीर का जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, प्रतिरोधक तंत्र है, उसको धोखा दे सकता है। तो पहली चीज तो ये कि जब इसकी शक्ल बदलेगी तो पहले राम सिंह आए थे, इस बार प्रणाम सिंह आ गए आपके घर में, तो आप धोखा खा सकते हैं। पिछली बार भी इसने धोखा दिया था, अगली बार किसी और शक्ल के साथ आपको चल के जाएगा। तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जो अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, जो आईसीयू जाके लौट आए हैं, जरूरी नहीं है कि उससे जो प्राप्त इम्यूनिटी है वो उनकी सुरक्षा कर ले, वो दोबारा फिर संक्रमित हो सकते हैं और फिर इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। चलिए डॉक्टर साहब एक बात और आपसे अलग, एक बात और जी जी। दूसरी चीज ये कि मैं वैक्सीन के बारे में भी स्पष्ट कर दूं, वैक्सीन जरूरी है, सब लोग लगवाएं, क्योंकि मल्टीपल कोरोना वायरस भी को सर्कुलेशन में रह सकते हैं, लेकिन मौजूदा वैक्सीन जो है वो ओमिक्रॉन के लिए वो चीजें इम्पार्ट करने में, प्रदान करने में सक्षम है या नहीं है, जिसका दावा हम और वेरिएंट्स के साथ कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट नहीं है और इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक बात। बल्कि फाइजर ने, मॉडर्ना ने, ये जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली दो वैक्सीन हैं, अपने रूपांतरण करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और उसके लिए समय टाइमलाइन भी तय कर दी है कि उस 10 महीने से 1 साल में बदलाव लाके नया वैक्सीन प्रतिरूप तैयार करेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ, आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। दुनिया के कई देशों में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया, लेकिन माना यह जा रहा है, कल भी मैं कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था, कि हमारे देश में बच्चों की जो क्षमता है या जो उनकी इम्यूनिटी है वो इतनी अच्छी है कि हमारे देश में अभी इतनी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है कि बच्चों का भी टीकाकरण हो, इसीलिए सरकार की ओर से जितना तेजी के साथ पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। क्या आप इससे सहमत है, थोड़ा सा बताइए। सर नितांत असहमत हूँ।
अच्छा देखिए भाई एनलार्ज, मुझसे पहले भी किसी ने ये सवाल किया था, मैंने कहा था सुअर नाली में रहता है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम सब ऐसे रहने को तैयार नहीं है, हमें जिंदगी में उन्नत व्यवस्था मिलनी चाहिए। आप मानते हैं हमारे देश का टीकाकरण होना चाहिए? जी बिल्कुल, और ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमने टीकाकरण नहीं कराया और स्कूल खोल दिए। ठीक बात, और ओमिक्रॉन आधमका ठीक बात, ओमिक्रॉन अभी सर ओमिक्रॉन बुद्धों को संक्रमित कर रहा था, कोमोर्बिडिटीज वालों को मार रहा था। ठीक बात, अब ये युवाओं पे हमलावर है। ठीक बात, बच्चों पे हमलावर हो जाए कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि टीकाकरण की बात हो रही है और तिलक जी भी कुछ बात कर रहे थे, अपने गुप्ता जी भी कह रहे, क्या अब ये भी आ रहा है कि बूस्टर डोज देना चाहिए और कुछ ऐसी सिफारिश भी की गई है, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? जी पहले मैं आपको टीकाकरण का थोड़ा सा बता दूं, हमारे भारत में जो दो वैक्सीन्स इस्तेमाल हुई हैं वो हुई है एक नंबर एक पे कोवैक्सीन जो कि भारत द्वारा ही निर्मित है, ये किल्ड होल वायरस वैक्सीन है, और वायरस चाहे जितना भी म्यूटेट कर ले, जितना भी म्यूटेट कर ले उसका एक सेक्शन म्यूटेट करेगा बाकी सेक्शंस वही रहेंगे, तो ये वैक्सीन कुछ हद तक प्रभावी रहेगी। दूसरी वैक्सीन जो है आपकी कोविशील्ड है जिसमें चेडॉक्स कंटेंट है जो स्पाइक प्रोटीन पे एक्ट करती है, अब इस वायरस में इतने म्यूटेशन हुए हैं तो उस पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या वो काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जितने अभी तक शोध हुए हैं अर्लियर वायरल डिजीजेस को लेके, तो ये माना गया है कि वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करेगी ऐसा नहीं है। जैसे कि आप फर्स्ट डोज लेते हैं तो फर्स्ट डोज में 35-40% तक आपकी प्रोटेक्टिविटी बढ़ जाती है, जब आप सेकेंड डोज लेते हैं तो वो बढ़ के 75-80% हो जाता है। सही बात, उसके बाद जब आपने बूस्टर डोज ली तो आपकी 95% बढ़ जाता है। जी जी। तो वैक्सीनेशन का असर तो रहेगा, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन कि हमारी इंडिया की जो कोवैक्सीन है होल वायरस किल्ड वैक्सीन है दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वैक्सीन जो हमारे भारत में डेवलप हुई है। तो आपके द्वारा मैं जनता को फिर निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी भ्रम ना पालें, वैक्सीनेशन अपना बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करें। ठीक बात। रही बात बूस्टर डोज की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बूस्टर डोज में 95% तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जी जी। अब सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगी थी और लगभग 8 महीने हो चुके हैं, तो हो सकता है हमारी इम्यूनिटी उतनी ना हो जितनी जरूरत है, तो बूस्टर डोज की तो जरूरत है। इसी को लेके डीजीसीआई ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन के कोविशील्ड के लिए बूस्टर डोज की परमिशन मांगी है और सरकार इसको प्रयास कर रही है। अब आगे हमें भविष्य में पता लगेगा जल्दी ही कि हमें बूस्टर डोज लगनी है कि नहीं लगनी। ठीक बात। डॉक्टर सपन गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ इसके इलाज के बारे में। सामान्यतः ये होता है कि बुखार आ रहा तो पैरासीटामॉल ले लीजिए, ये आपको तकलीफ है तो भी ये दवा ले लीजिए, आपको ये जो है गर्म पानी पी लीजिए, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पी ले लीजिए, क्या कारण है कि क्या इसकी अभी तक एक पुख्ता दवा नहीं हो पाई है और क्या यही एक इलाज का सबसे बड़ा कारण है? देखिए जो ये बीमारी हमारे पूरे विश्व में 2 साल से जो आई है जी, इसकी कहीं कोई एटियोलॉजी नहीं रही है। हाँ। अभी कोई चीज इस तरह से नहीं आई कि इसके बारे में पहले पढ़ाया गया हो उसके बाद वो चीज हमारे बीच आई हो। ये एकदम अवतरित हुआ हुआ जो कहते हैं एकदम वायरस है, और उसके हिसाब से हम लोग जो सिम्टोमेटिकली जो वायरल का जो ट्रीटमेंट देते हैं वही हम लोग दे रहे थे। फिर बाद में शोध हुआ तो पता लगा कि SCQ काम कर रही है, फिर SCQ हटी तो फिर उसके बाद पता लगा कि रेमडेसिविर काम कर रही है। तो समय पे दवाइयां बदलती गई और हम लोग उस तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट पेशेंट्स का देते गए और उनका आउटकम्स हमारे पास आता रहा। तो मसला ये है कि जो वायरल का ट्रीटमेंट होता वही उसका पूरा सेम ट्रीटमेंट है, बस इसमें यह है कि जो पेशेंट्स हमारे कम गंभीर थे उनको वो चीजें ज्यादा अच्छे से उन्होंने रिएक्ट बॉडी पे की और वो बच के हमारे पेशेंट्स बच गए, लेकिन जो पेशेंट्स हमारे गंभीर थे तो उनके साथ में आपको ICU वेंटिलेटर रेमडेसिविर SCQ व्हाटएवर सो एवर जो भी दिया गया, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को नहीं बचा पाए। तो स्पेसिफिकली इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास कहीं कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है, जो हमारा WHO डिसाइड करता है या जो हमारे डॉक्टर्स फिर प्रैक्टिस में लाके उस चीज को हम लोग करते हैं
हैं तो वही फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक बात है। और डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोरोना को हम वही समझें जैसे अन्य वायरल है और कहीं इसमें फीवर हो जाता है, ये मलेरिया है आएगा ही, हैजा आएगा ही, डेंगू आएगा ही, और अब लगता है कि कोरोना भी आएगा ही, और अगर आएगा भी तो कब आएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए तो ये कि मौसम बदलेगा तब आएगा, लेकिन क्या कोरोना के लिए भी ये स्थिति होगी, और क्या भविष्य में हमको कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये जरा थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जी जी जी, देखिए डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले तो जितना भी अभी तक शोध हुआ है, खास करके एक्टिव वायरल इन्फेक्शन जो पैंडेमिक कॉज करती हैं, जी ये वेव्स आती रहती हैं और धीरे धीरे ये वायरस जो है ये पैंडेमिक से एपिडेमिक और एपिडेमिक से एंडेमिक हो जाता है। तो ये भी जैसे पिछली बार स्पैनिश फ्लू आया था, उसकी 4-5 वेव आई थी, उसके बाद वो एंडेमिक हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो जिस तरीके से स्वाइन फ्लू H1N1 वाला जो है, उसी तरीके से आगे कोविड भी हो जाने की संभावना है कि ये भी एक एंडेमिक हो जाएगा, जो खास करके एक पर्टिकुलर सीजन में आएगा, और उस सीजन में आपकी, अब तो फिर आगे चल के साइंस और मॉडिफाई हो जाएगी, वैक्सीनेशन हमारा और अच्छा हो जाएगा जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी। तो ये ऐसा प्रतीत होता है पुराने शोध और पुराने एक्टिव इन्फेक्शन को लेके कि ये कोविड जाएगा नहीं आपके यहाँ से, कोविड रहेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा आगे चल के कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का आपको पालन करना है और ये एंडेमिक हो जाएगा। ठीक बात। तिलक जी, क्या अब ये स्थिति आ जाएगी अपने देश में कि हमको मास्क हमेशा लगाना पड़ेगा, दूरी हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, और अब जो है अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे अब तो फ्री हो गए, अब हमको क्या लेना देना, कल ही मेरे एक मित्र कह रहे थे कानपुर मंडल तो शून्य है, अब हमको क्या जरूरत है मास्क लगाने की। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर विकास बता रहे हैं पूरी हिस्ट्री के हिसाब से, तो क्या अब लगता है कि अब हमको उसी पैटर्न में रहना पड़ेगा? सर यही परिस्थिति विकास ने बहुत ठीक कहा, स्पेनिश फ्लू के साथ भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे अब फ्लू के लिए कोई ना मास्क लगाता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखता है, ना हाथ धोने का विधान है। कारण ये कि कालांतर में उसके लिए बेहतर क्वालिटी ऑफ वैक्सीन डिस्कवर हो गई, जो अभी तो हमारी वैक्सीन सिर्फ अंतिम अवस्थाओं तक पहुंचने से रोकती है। वैक्सीन जब अपने बेहतर स्वरूप में आएगी तो वो संक्रमण होने को भी रोकेगी, और जिस दिन उस प्रकार की वैक्सीन हम विकसित करने में कामयाब हो जाएंगे शायद इन चीजों में ढील दी जा सकती है, लेकिन तब तक तो हमें इसका पालन करना ही होगा। होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या वो डॉक्टर गुप्ता, वो समय आ रहा है कि जैसे बच्चों को कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, तो आने वाले समय में एक कोरोना का भी टीका लगेगा? जिस तरह से शोध चल रहा है तो आने वाले समय में ऐसा है कि ऐसा संभव हो सकता है कि इसके लिए भी जो है, जैसे हमारे पीडियाट्रिशियंस जो है जो टीका लगाते हैं तो वो कोरोना का भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको, जो आपने प्रश्न पूछा था मुझसे कि बुखार की दवा और ये जो आज जो सिनेरियो चल रहा है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड और ये चौथा आ गया ओमिक्रॉन, तो ये चार तरह की बीमारियां हैं। इन चार तरह की बीमारियों के ऑलमोस्ट लक्षण जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है जनता से कि पैरासिटामोल या कैल्पोल की नाम जान लेने से ही उसके उपयोग को ना करें। अगर आपको इस तरह कोई भी लक्षण आते हैं तो आप अपने निकटवर्ती चिकित्सक को जरूर दिखाएं। सही बात। स्वयं चिकित्सक बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि तो चिकित्सक बनने के लिए आपको दोबारा जन्म लेके पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। चिकित्सक बनने के लिए 30 साल की तपस्या करी जाती है, तब चिकित्सक बनते हैं। तो डोंट टेक इट वेरी इजीली, अपने चिकित्सक को दिखाइए और उस तरह से अनुपालन करिए। ठीक, बहुत अच्छी बात की। मैं अंत में आप तीनों महानुभाव से ये चाहूंगा कि जरा जनता को इस बारे में जरा टिप्स दे दीजिए कि क्या अब करना है, कैसे सजग रहें। जैसे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आप तुरंत अपना पैरासिटामॉल मत ले लीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास चले आइए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर विकास क्या कहेंगे आप, थोड़ा टिप्स बताइए। मैं फिर से वही दोहराऊंगा जो शुरुआत में कहा था, कोरोना हमारे बीच में है, गया नहीं है,
कृपया एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जिससे आप में प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी बनी रहे। बनी, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर तिरा, क्या कहेंगे आप? सर, बाय एंड लार्ज मुझे ये कहना है जनता से जी कि जिन स्थितियों से निपट के आप यहाँ तक पहुंचे थे और जो कुछ आप भूल गए, छूट गया आपसे और आपने ढिलाई दे दी, ये ढिलाई आपके हित में नहीं है। वक्त आ गया है कि आप जाग जाएं और फिर से अपने उस दुश्मन के विरुद्ध कमर कस लें और संकल्प लें कि हम सब सामूहिक रूप से मिलजुल के लड़ाई लड़ें। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या देंगे? हालांकि आपकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो बस यही निवेदन है कि हमारा पूरा चिकित्सक परिवार, पूरी डॉक्टर फैटर्निटी पूरे विश्व की सबसे पहली लाइन में खड़े हुए, सब लोग अपने आप को आहूत कर रहे हैं इसके लिए। तो जनता से ये निवेदन है, कम से कम हम लोगों के द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों को विफल ना होने दें, और वो सफल होने के लिए सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा कि वैक्सीनेशन कराइए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप वैक्सीनेशन 100% कराएंगे तो बीमारी कोई भी एक्स वाई जेड कोरोना आए, आपको उतनी समस्याएं नहीं होंगी जो कालांतर में आपने देखी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तिलक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर सपन गुप्ता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। कुल मिला के लंबो लवाब यही है, कोरोना गया नहीं है, इसलिए सजग रहिए, और टीकाकरण एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपको बचा सकता है, वरना आपको भयानकता में ले जाएगा। फिर आप कहेंगे क्या हो गया, और एक बात बहुत अच्छी है, खुद का इलाज करने लगिएगा, सीधे अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए और उनके अनुसार इलाज लीजिए, और हमारा ध्यान रखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।